अपनी शाम की रूटीन शेयर करूंगी। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं खाने की तैयारी कर रही हूं। आज मैं खाने में बना रही हूं कढ़ी बना रही हूं टमाटरों वाली। आप लोगों ने मेरे साथ में जी अभी जो है मसाला तैयार कर रही हूं और आग जला रही हूं। तो आग जलाने के बाद मैं सारा मसाला मैंने तैयार कर लिया है और पानी में मैंने बेसन घोल के उसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद और अभी प्याज काटे हैं, प्याज काट कर और प्याज को फ्राई करूँगी और लहसुन और अदरक और हरी मिर्चों का मैं पेस्ट बना रही हूँ। और घी डाल के प्याज, ये देखें जी प्याज मैंने फ्राई कर लिए हैं और अभी मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। इसको थोड़ा सा भुनने के बाद फिर बाकी मसाले इसमें शामिल करेंगे। और इसको भून लेने के बाद फिर अभी मैं टमाटर इसमें शामिल कर दूंगी और टमाटरों को अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें मैं टमाटर इसमें शामिल कर रही हूँ और टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं। ये देखें मेरी छोटी बेटी जो है ये मुझे तंग कर रही है। और ये देखें टमाटर मैंने शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा भूनना है और भूनने के बाद अभी इसमें सारे पाउडर मसाले डाल दूंगी। तो कैमरा हमारा थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है क्योंकि हमारा जो कैमरा मैन है वो बहुत ही छोटा है। मेरी जो छोटी बेटी है महानूर, मेरी सबसे बड़ी बेटी है, वो ही वीडियो शूट कर रही है। और मेरे जो हस्बैंड है वो तो है नहीं, वो इस्लामाबाद में उनकी जॉब है तो वो वहाँ है और हमें गांव यहाँ छोड़ा है। तो पहले तो वो मेरी वीडियो बनाते थे और मैं ब्लॉग बनाती थी और वो वीडियो शूट करते थे, लेकिन अभी जो है कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं था और मेरा जो कैमरे का स्टैंड वगैरह है वो भी टूट गया। तो इस वजह से फिर मेरी जो बेटी है बस वही मेरी वीडियो बनाती है। तो अभी मैंने सारे पाउडर मसाले डाल दिए हैं। मेरे जो बच्चे हैं वो कम मिर्ची खाते हैं इसलिए मैंने हाफ हाफ चम्मच डाला है, हाफ चम्मच नमक और हल्दी, हाफ चम्मच काली मिर्च, हाफ चम्मच मैंने लाल मिर्च। और मैं अपने तमाम सब्जियों में, सालन में अचार गोश्त मसाला ये मैं डालती हूँ, इससे सालन बहुत ही मज़े का बनता है। तो आधा चम्मच मैंने अचार गोश्त मसाला डाला है।
मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद अभी मैं इसमें घुला हुआ जो बेसन है, जो मैंने पानी डाल के और बेसन डाल के, एक कप बेसन है और पानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं, और पानी डाल के इसको मैंने मसाला भूनने के बाद अभी डाल लिया। तो अभी जो है चम्मच को हिलाते रहना है, चम्मच को छोड़ना नहीं है। अगर चम्मच छोड़ेंगे तो वो गुठलियाँ बन जाएगा बेसन, और फिर मज़े का नहीं बनता है। इसको चम्मच को जब तक बॉयल नहीं आता है, इस चम्मच को मैं ऐसे करके हिलाती रहूँगी। और अभी जो है ये सारा सामान मैं किचन में लेके जा रही हूँ, और ये सब कुछ मैं किचन में रख दूँगी। किचन में रखने के बाद मैं आटा गूँध लूँगी। तो ये सामान सारा मैं किचन में रख रही हूँ, उसके बाद अभी मैं आटा गूँधूँगी, और आटा गूँधने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। जी अभी जो है सालन जो हमारा वो अभी बन रहा है, तो मैंने चार पहिए बाहर निकाल दिए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पहले बारिश होती थी तो बारिश की वजह से अंदर कमरे में बच्चों को सुलाती थी, लेकिन अभी जो है अभी बहुत ज़्यादा दो तीन दिन से गर्मी पड़ रही है, तो इस वजह से फिर बाहर बच्चों को चार पहिए निकाल के दिए हैं। और ये देखें जी अलीशा मैडम जो है ये खेल रही हैं, और तो ये बच्चे जो हैं ये महनूर वगैरह से मेरी बच्चियों से खेलने के लिए आए हैं। ये हमारे हमसायों के बच्चे हैं, और ये देखें ये सारे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। और अभी जो है शाम का टाइम होने वाला है, तो बच्चे जो हैं आपस में ये सारे खेल रहे हैं। जी अभी जो है शाम हो गई है, और सालन मैंने बना ली है। अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ रोटियाँ। तो अभी जो है मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और शाम हो गई है, और आज मैंने आप लोगों से अपने शाम की रूटीन शेयर की है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और डेली रूटीन के व्लॉग देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। और अभी जो है ये देखें यशपा तंग जी, खाना जो है मैंने बना लिया है, तो अभी रात का खाना खाने लगे हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जिस बहन भाई ने भी हमारे साथ खाना खाना है वो आके खा सकता है। और ये थी मेरी आज की सिंपल सी रूटीन। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।